दोस्तों ये एक प्रेजेंटेशन है जो कि रतन टाटा सर के ऊपर है। दोस्तों एक बार आप इस प्रेजेंटेशन को देखिए। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे देखिए, सबसे पहले रतन टाटा सर की यहाँ पे फोटो है, फिर उनके बारे में यहाँ पे बायोग्राफी है, फिर दोस्तों उनके कुछ सालों की यहाँ पे फोटोज वगैरह है जो कि उन्होंने काम किया है। दोस्तों आप उनकी पूरी PPT को देख सकते हो कि किस तरीके से एक प्रोफेशनल लेवल की ये एक प्रेजेंटेशन बन के आई हुई है। अब दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये PPT क्यों दिखा रहा हूँ। दोस्तों ये PPT क्योंकि ना ही मैंने बनाई है, ना ही मैंने किसी से बनवाई है। दोस्तों ये एक प्रेजेंटेशन है जो कि AI ने बनाई है, वो भी सिर्फ 2 मिनट के अंदर। अब दोस्तों आप भी इसी टाइप की AI की मदद से प्रेजेंटेशन बनाकर उनकी मदद से आप अच्छी खासी इनकम को जनरेट कर सकते हो। हाँ दोस्तों, आपको मैं आज एक किसी AI वेबसाइट के बारे में बताने वाला हूँ जहाँ पे आपको सिर्फ टॉपिक डालना है, वो उस टॉपिक के ऊपर एक प्रेजेंटेशन बना के आपको दे देगा, जिसकी मदद से आप अच्छी खासी अर्निंग को जनरेट कर सकते हो। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, क्योंकि दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहित जैन और आप देख रहे हैं क्रेडिबल अर्निंग। दोस्तों इस चैनल पर ऐसे धमाकेदार ऑनलाइन अर्निंग और ऑनलाइन बिजनेस आइडिया से रिलेटेड वीडियोज आती रहती है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपसे कोई भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो। दोस्तों अब चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इस वेबसाइट का नाम है gama.app। दोस्तों इस वेबसाइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, जिस पर क्लिक करते ही आप इस पर डायरेक्ट हो जाओगे। दोस्तों इस वेबसाइट का इंटरफेस कुछ ऐसा है। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे साइन अप फॉर फ्री पे एक बार क्लिक करना है। दोस्तों आप इस पर जैसे ही क्लिक करोगे आपके सामने यहाँ पे साइन अप का ऑप्शन आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे आप अपनी gmail ID से साइन अप कर सकते हो, या चाहो तो गूगल से भी डायरेक्ट साइन अप कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे मैं डायरेक्ट जैसे कि अभी गूगल से साइन अप कर लेता हूँ। दोस्तों आपको अपनी gmail ID सेलेक्ट करनी है, आपका यहाँ पे साइन अप कंप्लीट हो जाएगा। और दोस्तों अगर आप अपनी gmail ID से करते हो तो आप जैसे ही अपनी gmail ID उस पर डालोगे, आपकी gmail ID पे एक वेरिफिकेशन कोड आएगा। उस वहाँ पर जाके आपको अपनी gmail ID को वेरीफाई करना है, आपकी ID यहाँ पे तुरंत बन जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा सेकंड स्टेप आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे ये आपसे पूछ रहा है कि आप पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हो या अपनी कंपनी के लिए कर रहे हो। दोस्तों अपन पर्सनल यूज़ के लिए कर रहे हैं तो आपको ये पर्सनल पे क्लिक करके रखना है। फिर आप अपनी वर्क स्पेस का नाम दे सकते हो, फिर आपको क्रिएट वर्क स्पेस पर एक बार क्लिक करना है। दोस्तों फिर यहाँ पे आपको ये पूछ रहा है कि आप इसका gama वेबसाइट का यूज़ क्यों करना चाहते हो। दोस्तों आपको फॉर पर्सनल यूज़ पर एक बार क्लिक करना है। फिर यहाँ पे आप अपना काम सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि आप क्या हो। जैसे कि दोस्तों मैं एक एजुकेटर, तो मैं यहाँ पे एजुकेटर सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने हमारे बारे में कहाँ से सुना। दोस्तों आपको मैं यूट्यूब पे बता रहा हूँ, तो आप यहाँ पे यूट्यूब लिख सकते हो, जैसे मैं आप लिख देता हूँ यूट्यूब। फिर आपको एक बार गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे आपका साइन अप सक्सेसफुली हो चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे आपके सामने 3 ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे कि प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंट, वेब पेज। दोस्तों यहाँ पे आप प्रेजेंटेशन बना सकते हो, डॉक्यूमेंट बना सकते हो और एक वेब पेज भी बना सकते हो। लेकिन दोस्तों अपन को यहाँ पे प्रेजेंटेशन बनानी है, तो उसके लिए आपको प्रेजेंटेशन पे एक बार क्लिक करना है। दोस्तों फिर यहाँ पे आप सिर्फ टॉपिक पूछ रहा है कि आप किस टॉपिक के ऊपर प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हो। दोस्तों आप किसी भी चीज़ के ऊपर यहाँ पे प्रेजेंटेशन बना सकते हो। मान लीजिए आप किसी फिल्म एक्टर के ऊपर बनाना चाहते हो, किसी सेलिब्रिटी के ऊपर बनाना चाहते हो, किसी एक्टर के ऊपर, किसी के भी ऊपर बनाना चाहते हो। आप मान लीजिए किसी गॉड के ऊपर बनाना चाहते हो, मतलब आप किसी भगवान के ऊपर बनाना चाहते हो, आप यहाँ पे इसको कोई भी टॉपिक दे सकते हो, A to Z। ये किसी भी टॉपिक के ऊपर आपको एक प्रेजेंटेशन बना के दे देगा। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे मैं इसको बोलता हूँ कि मुझे मुकेश अंबानी के ऊपर एक PPT चाहिए, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ मुकेश अंबानी। यहाँ पे इतना लिख के आपको एंटर प्रेस करना है एक बार। फिर दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लेता है, फिर आपको यहाँ पे कंटिन्यू पे एक बार क्लिक करना है। दोस्तों कंटिन्यू पे क्लिक करने से पहले अगर यहाँ पे आप कुछ टॉपिक वगैरह आप ये मतलब चेंज करना चाहते हो, हेडिंग वगैरह, जैसे कि मान लीजिए आपको इसमें कोई टॉपिक वगैरह और ऐड करने हैं या आपको इनको हटाना है, तो आप इनको अपनी तरफ से कस्टमाइज कर सकते हो। दोस्तों इतना करने के बाद आपको कंटिन्यू पे एक बार क्लिक करना है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको एक थीम सेलेक्ट करनी है, आप मतलब डार्क थीम चाहिए, आप वाइट थीम चाहिए, आप अपने हिसाब से थीम सेलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों जैसे कि मैं यहाँ पे वाइट थीम रखता हूँ। फिर इतना करने के बाद आपको कंटिन्यू पे एक बार क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपकी PPT बनना शुरू हो चुकी है। दोस्तों यहाँ पे देखिए, इसने यहाँ पे ऑटोमेटिक ये फोटोज़ वगैरह ले लेगा, ऑटोमेटिक यहाँ पे नाम वगैरह, हेडिंग वगैरह सब कुछ खुद अपनी तरफ से ले लेगा। दोस्तों मैं एक बार ऊपर सबसे ऊपर जाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले एक फोटो आ गई है, फिर यहाँ पे टाइटल आ गया है, फिर यहाँ पे दोस्तों आपका नाम आ जाएगा कि ये PPT किसने बनाई है। फिर दोस्तों यहाँ पे देखिए मुकेश अंबानी जी के बारे में यहाँ पे कुछ यहाँ पे थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन आ जाएगा कि वो कौन है। फिर यहाँ पे उनकी लाइफ एजुकेशन के बारे में आ जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए उनकी कौन सी कंपनी है उनके बारे में आ जाएगा, उनकी ग्रोथ, एक्सपेंशन, रिलायंस के बारे में आ जाएगा। दोस्तों यहाँ पे इसने एक पूरी यहाँ पे मतलब अच्छे से एक प्रेजेंटेशन बना के दे दी है। जैसे कि यहाँ पे देखिए उनकी वाइफ का क्या काम है, उनके बारे में सब कुछ यहाँ पे आ गया है। यहाँ पे देखिए उनकी कौन कौन सी कॉन्ट्रोवर्सीज हुई है, कौन कौन सी क्रिटिसिजम्स है, सब कुछ यहाँ पे आ चुका है। दोस्तों उनकी फ्यूचर प्लान्स क्या क्या है, एम्बिशंस क्या क्या है, सब कुछ यहाँ पे ऑटोमेटिक आ चुका है। दोस्तों इस तरीके से आप यहाँ पे PPT बना सकते हो। अब दोस्तों आपको यहाँ पे चाहो तो आप इसको एक बार प्रेजेंट करके देख सकते हो कि ये PPT आपकी बनने के बाद कैसे लगी। दोस्तों जैसे कि मैं एक बार यहाँ प्रेजेंट पर क्लिक करता हूँ, तो दोस्तों देख सकते हो कि आपकी PPT फुल स्क्रीन के अंदर ऐसी लगती है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि ये दोस्तों अभी थोड़ा सा लोड हो रहा है, मैं जैसे अभी नीचे क्लिक करूँगा आपके सामने पूरी प्रेजेंट होकर आ जाएगी। दोस्तों मैं एक बार इसको वापस बैक कर लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे जैसे कि मैं एक बार वापस बैक आ जाता हूँ, होम पे आ जाता हूँ,
फिर दोस्तों यहाँ पे आपने जो भी पीपीटी वगैरह बनाई है वो सब कुछ यहाँ पे आ जाएगी। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे मैं अपनी पीपीटी पे क्लिक करता हूँ एक बार, दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मेरी पीपीटी आ चुकी है। अब दोस्तों इस पीपीटी को आप चाहो तो डाउनलोड भी कर सकते हो। दोस्तों डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली इधर थ्री डॉट पे क्लिक करना है। दोस्तों आप इसी थ्री डॉट पे क्लिक करोगे आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा एक्सपोर्ट पीडीएफ या एक्सपोर्ट पीपीटी। दोस्तों अपन पीडीएफ डाउनलोड नहीं कर रहे हैं, पर पीपीटी डाउनलोड कर रहे हैं, तो दोस्तों आपको एक्सपोर्ट पीपीटी बीटा पे एक बार क्लिक करना है। दोस्तों आप जैसे इस पर क्लिक करोगे आपकी पीपीटी यहाँ पे देखिए जनरेट होना शुरू हो चुकी है। दोस्तों अपन थोड़ा सा वेट करते हैं। 2000 years later तो दोस्तों देखिए यहाँ पे अपनी पीपीटी यहाँ पे डाउनलोड हो चुकी है, एकदम अच्छे से डाउनलोड होकर आ चुकी है। दोस्तों अब इसको चाहो तो आप इसको कहीं पे भी किसी को भी शेयर वगैरह कर सकते हो अपनी पीपीटी को। दोस्तों आप चाहो तो इस पीपीटी को बेच भी सकते हो। अब दोस्तों आपको मैं एक और पीपीटी यहाँ पे बना के बता देता हूँ, जिससे कि आपको सेटिस्फेक्शन हो जाएगा कि ये अच्छे से काम करती है वेबसाइट। दोस्तों अब दोबारा वेबसाइट दोबारा पीपीटी बनाने के लिए आपको न्यू विद एआई पे एक बार क्लिक करना है। फिर दोस्तों आपको यहाँ पे टेक्स्ट टू डेक पे एक बार क्लिक करना है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपको नीचे यहाँ पे टॉपिक देना है कि आप किस टॉपिक के ऊपर बनाना चाहते हो। दोस्तों आप जैसे कि मैं यहाँ पे एलोन मस्क के ऊपर बनाना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मैं एलोन मस्क लिख देता हूँ। फिर आपको यहाँ पे जनरेट पे एक बार क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे वापस आपको थीम सेलेक्ट करनी है, आपको फिर कंटिन्यू पे करो वापस क्लिक करना है। दोस्तों यहाँ पे देखिए अपनी पीपीटी यहाँ पे इसने बनाना शुरू कर दिया है। दोस्तों यहाँ पे देखिए ये फोटो वगैरह सब कुछ ऑटोमेटिक खुद की तरफ से ले लेता है, मतलब इसको आपको कोई भी नॉलेज वगैरह देने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसको टाइटल बताना है, ये अपने हिसाब से सब कुछ कर देगा। दोस्तों यहाँ पे देखिए अपनी पीपीटी पूरी तरीके से बन के रेडी हो चुकी है। दोस्तों इसको भी आप सिंपली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। अब दोस्तों अब प्रेजेंटेशन तो आपने बना ली, अब बात आती है कि आप इसे अर्निंग कैसे करोगे। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले एक बार फाइवर की वेबसाइट पर लेके चलता हूँ। दोस्तों यहाँ पे देखिए मैंने पीपीटी मेकिंग यहाँ फाइवर पर सर्च करा। दोस्तों आप नीचे देख सकते हो कि कई लोग हैं जो कि पीपीटी लोगों के लिए बनाते हैं और अच्छा खासा चार्ज कर रहे हैं। दोस्तों जैसे कि आप ये एक बंदा है, ये देखिए इसने अब तक 724 क्लाइंट को सर्व किया है। दोस्तों ये पर पीपीटी 30,000 रुपये चार्ज करता है, मतलब दोस्तों आप 30,000 × 724 कर सकते हो ये इस बंदे ने कितनी ज़्यादा अर्निंग कर ली है सिर्फ पीपीटी बना के। दोस्तों यहाँ पे ये एक बंदा ही है, दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो ये सिर्फ 430 रुपये चार्ज करता है और दोस्तों इसने भी अब तक 132 लोगों को सर्व कर दिया है। दोस्तों यहाँ पे ये एक बंदा ही है, देखिए 12,500 रुपये यहाँ से चार्ज करता है, दोस्तों इसने भी 258 लोगों को सर्व कर दिया है। दोस्तों यहाँ पे एक बंदा ये 2500 रुपये लेता है, 18 लोगों का इसने काम कर दिया है। दोस्तों यहाँ पे देखिए लोग सिंपल यहाँ पे प्रेजेंटेशन बनाते हैं। दोस्तों आपको पावर पॉइंट की मदद से कैनवा की मदद से पीपीटी बनाने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ एआई की मदद से पीपीटी बनानी है, वो भी काफ़ी इफेक्टिवली आप पीपीटी बना सकते हो। दोस्तों अगर आपको पावर पॉइंट की कोई भी नॉलेज नहीं है तो भी आप एआई की मदद से अच्छी खासी पीपीटी को बना सकते हो। दोस्तों आप क्या कर सकते हो, आपको फाइवर पे एक अपनी गिग बना लेनी है, अपनी प्रोफाइल बना लेनी है पीपीटी से रिलेटेड। दोस्तों यहाँ पे आपको शुरू में प्राइस कम रखना है, जैसे कि यहाँ पे देखिए इसने 430 रुपये रख रखा है। दोस्तों इसी तरीके से आपको शुरू में कम प्राइस रखना है। दोस्तों यहाँ पे 500 रुपये 600 रुपये से शुरुआत कर सकते हो, दोस्तों लोगों को अपना काम सर्व कर सकते हो। दोस्तों आपकी जैसे जैसे यहाँ पे रेटिंग वगैरह बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी आप अपने प्राइस को बढ़ा सकते हो। दोस्तों इस तरीके से आप फाइवर पर लोगों को पिच कर सकते हो, लोगों के लिए अपने लिए काम ढूंढ सकते हो। दोस्तों और भी ये कि आप इंस्टाग्राम पे फेसबुक पे टेलीग्राम पे यहाँ पे लोगों को मैसेज वगैरह कर सकते हो, लिंक्डइन पे अपने लिए क्लाइंट ढूंढ सकते हो। दोस्तों आपको इसे बैठे रहने से मतलब आप फाइवर पे सिर्फ अपनी प्रोफाइल बना के छोड़ दोगे तो उससे आपको क्लाइंट नहीं मिलेंगे, आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। दोस्तों आपको क्या करना है, लिंक्डइन इंस्टाग्राम फेसबुक टेलीग्राम इन सब पे लोगों को मैसेज करना है कि आपको अपने काम के लिए अपने बिजनेस के लिए आपको कोई पीपीटी वगैरह प्रेजेंटेशन की जरूरत है तो मैं आपके लिए ये काम कर सकता हूँ, और आपको शुरू में रीजनेबल प्राइस रखना है तब जाके आपको क्लाइंट मिलेंगे। दोस्तों इस तरीके से आपका जो बिजनेस है वो ग्रो करेगा। दोस्तों आपको सिर्फ यहाँ पे प्रोफाइल बना के नहीं छोड़नी है, आपको मेहनत करनी है, इसी तरीके से आपको क्लाइंट्स वगैरह मिलेंगे और इसी तरीके से आप महीने की लाखों रुपए की अर्निंग को इजीली जनरेट कर सकते हो। अब दोस्तों मैंने आपको बताया दिया कि आप किस तरीके से अर्निंग कर सकते हो, किस तरीके से यहाँ पे पीपीटी वगैरह बना सकते हो। दोस्तों आज ही जाके अपना काम शुरू कर दीजिए और अच्छी खासी अर्निंग को जनरेट करना शुरू कर दीजिए। दोस्तों आई होप आपको सब कुछ अच्छे समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप सिंपली मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, क्योंकि दोस्तों इस चैनल पर ऐसे ही धमाकेदार ऑनलाइन अर्निंग और ऑनलाइन बिजनेस आइडिया से रिलेटेड वीडियोज आती रहती है। तो दोस्तों आज मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।